नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और अब वक्त हो चला है 4 बजे की चार बड़ी खबरों की तरफ। तो आइए रुक करते हैं चार बड़ी खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सगड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को उनके 64वें पुनर्निर्माण दिवस पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 1-1 लाख के चेक, आयुष्मान योजना का गोल्डन कार्ड व महिलाओं को घरों ने सौंपी। उसके बाद जनता से मुखातिब हुए और सपा कांग्रेस व बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा सरकार में रामपुर में गरीबों पर हुए अत्याचार को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस व बसपा पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय भाजपा ही जुल्म के विरोध से संघर्ष कर रही थी। सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा है उसमें जाना पहचाना गुंडा हुआ करता है। अब यूपी पर गुंडा राज खत्म हो गया है। तो इसके साथ ही सगड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में सभी को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगाने पर जोर दिया। कहा कि जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवा लें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कहा था कि संविधान में मेरा आदर्श है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। भारत के संविधान के उद्घोषक बने हैं और यही कारण है कि सम विषम परिस्थितियों में भारत के संविधान ने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज यही भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। खबर आजमगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सगड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को उनके 64वें पुनर्निर्माण दिवस पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और उन्होंने कई लाभार्थियों को आयुष्मान योजना का गोल्डन कार्ड भी दिया और महिलाओं को घरौनी सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने बसपा सपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सपा सरकार में रामपुर में गरीबों पर हुए अत्याचार को याद दिलाते हुए कांग्रेस और सपा पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय भाजपा ही जुल्म के विरोध में संघर्ष कर रही थी। सपा पर प्रहार करते हुए और ये भी कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा हो उसमें जाना पहचाना गुंडा ही मिलता है। अब यूपी से गुंडा राज खत्म हो गया है बीजेपी सरकार में। और इसके साथ ही सगड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को सभी को जल्द से जल्द कोरोना टीका लगाने का भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक कोविड के टीके नहीं लगाए हैं वो जल्द से जल्द कोविड के टीके लगाकर अपने को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि आने वाले समय में फिर से कोरोना बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते टीका लगाने की हिदायत दी गई है। आज अंबेडकर जयंती पर आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में अखिलेश के गढ़ पहुंचे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें उन्होंने अपना संबोधन किया। और आपको बता दें कि उन्होंने इस संबोधन के बाद उन्होंने सपा बसपा पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा होता है उसमें जाना पहचाना गुंडा ही हुआ करता है। वहीं अब यूपी से गुंडा राज खत्म हो गया है बीजेपी सरकार में। और इसके साथ ही सगड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में सभी को जल्द से जल्द टीका लगाने की भी हिदायत दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके का आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा था आजमगढ़ में, वहां पे किस तरीके के कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव के गढ़ में थे, क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जो आजमगढ़ की जनता है उसको काफी कुछ सौगातें दी हैं। 32 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है और 36
76 करोड़ की ये जो परियोजनाएं इनका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो श्रद्धांजलि सभा थी उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह पहुंचे हुए थे, उन्होंने उसकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें याद भी किया और उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि बीती सरकारें उनके नाम पर राजनीति करती थी, गरीब दलितों का वोट लेने की कोशिश करती थी, लेकिन जब से हम आए हैं तब से हमने गरीब और दलितों और जो शोषित हैं उनके लिए काम किया है, उनको उनकी जो जमीनें कब्जाई हुई थी उन जमीनों को भी उनको वापस दिलवाया है, दूसरे शहरों में जो लोग काम करने के लिए जाते थे उनको भी हम अब उनके ही जिलों में काम करने के लिए बुलाए हैं और कई सारी योजनाओं के तहत उन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया जा रहा है। इस तरह की कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बीती सरकारों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने आजमगढ़ को लावारिस छोड़ दिया था, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव श्वेता इस वक्त आजमगढ़ से सांसद हैं और इस तरह का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि पिछली सरकारों ने आजमगढ़ को लावारिस छोड़ दिया था, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से कुल मिलाकर आजमगढ़ पे और आजमगढ़ में इस वक्त जो सांसद है अखिलेश यादव उन पर सवाल किया गया है। इसके अलावा बीती सरकार मुख्यमंत्री के तौर पर भी अखिलेश यादव थे तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल किए गए हैं। कई अभी कोरोना के चलते भी उन्होंने कई सुझाव दिए हैं, उस पे उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी जनता से? तीसरा वेरिएंट आ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर इस बात की हिदायत दी है कि जो लोग अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं वो वैक्सीनेशन करवा लें और कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए जो सावधानियां बरती जानी है वो सावधानियां बरते, तो इस तरह की जो प्रमुख हिदायतें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज आजमगढ़ की जनता को देते हुए वो नजर आए हैं। इसमें अभी इन्होंने इनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में और कौन कौन से मंत्रीगण इनके साथ में मौजूद रहे जो इनके आजमगढ़ के दौरे के टाइम पूरे समय उनके साथ मौजूद रहे? देखिए आजमगढ़ के दौरे के समय अगर हम बताएं तो आजमगढ़ से जो प्रमुख जितने भी बड़े नेता हैं वो इस वक्त मौजूद थे वहां पर, या फिर जिन विभागों की ये जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम होने थे उन विभागों के जो मंत्री थे वो मौजूद थे, मौजूदा विधायक मौजूद थे वहां पर, तो इस तरह के प्रमुख जो मंत्री विधायक थे वो वहां पर इस वक्त मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। और इसके अलावा अगर हम उन नामों के बारे में बताएं तो मोती सिंह का नाम उसमें शामिल है, इस तरह के प्रमुख नाम जो थे वो शामिल थे श्वेता, और सभी ने मिलकर जो प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए जनता को कई सारी जो तोहफे हैं वो तोहफे के तौर पर दी हैं। इनका ये दौरा कितने समय तक रहेगा, अम्बेडकर नगर में कितने टाइम के लिए वो दौरे पे रहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा था आजमगढ़ का, वो उन्होंने वहां पर जनता को संबोधित किया, कई सारी जो शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम थे वो किए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ आने वाले हैं ऐसी अभी खबर मिली है, लेकिन अभी इसकी जो औपचारिक पुष्टि है वो नहीं की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो अभी नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ दौरे पर लेकर उन्होंने आजमगढ़ के दौरे को लेकर उन्होंने बताया कि उन्होंने आज कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है, कई योजनाओं का लोकार्पण किया है और उन्होंने इसी पे ही अपने विपक्षी जो दल हैं सपा और बसपा पर उन्होंने उस पर जमकर धावा बोला है और आगे भी उनकी रणनीति लगातार चल रही है। तो अब रुक करते हैं अपनी अगली बड़ी खबर पर जो संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आज पुण्यतिथि है। इस दिन देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राजधानी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं ने भी आज अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कही भीमराव अंबेडकर को अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के प्रति समर्पित की, कानूनी अधिकार भी दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग को सत्ता को चाबी अपने हाथों में लेनी होगी, बीएसपी की 4 बार सरकार इसका उदाहरण है। वहीं मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टियां भी हैं जिन्होंने भीमराव अंबेडकर का विरोध किया, लेकिन अब दिखावटी अपनापन दिखा रहे हैं, ये सही मायनों में ये उनकी मजबूरी ही है। बाबा साहेब ने दलितों को गुलाम मानसिकता से आजादी दिलाई है, उनका दिल जान से चाहने वाले लोग उन्हें आज याद कर रहे हैं।
पूरी जिंदगी अनेकों कष्ट झेलकर खासकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान बनाने का मौका मिलने पर फिर इन्होंने इन वर्गों के लोगों को हर स्तर पर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन्हें कानूनी अधिकार भी दिलाए हैं, जिनका यहाँ केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारों के चलते इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बड़े दुख व चिंता की भी बात है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीते जी इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के साथ साथ उन्हें ये भी कहा था, यदि इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों का सही से पूरा लाभ लेना है तो इनको संगठित होकर केंद्र व राज्यों में भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में रहा 4 बार का शासनकाल है। और इस दौरान बीएसपी ने प्रदेश के विकास व जनहित के असंख्य ऐतिहासिक कार्यों को करने के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी विभिन्न स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिसे विरोधी पार्टियां अभी तक भी आसानी से हजम नहीं कर पा रही है। ये सब किसी से छिपा नहीं है। नेताओं ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं ने आज श्रद्धांजलि देकर उनको पुष्प गुच्छ अर्पित किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर अपनी पूरी जिंदगी में गरीबों के प्रति समर्पित रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर आज जो भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन रहा? कि आज परिनिर्वाण दिवस था बाबा साहब अंबेडकर का और इस दौरान लगभग सभी राजनीतिक दलों ने उन्हें याद किया। बसपा सुप्रीमो मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने भी आज उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं उन्होंने ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है और ऐसे में चुनाव से पहले जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो लगातार अब दलितों को, शोषितों को, गरीबों को पूछने लग गए हैं, क्योंकि ऐसा ही होता आया है। और ऐसे ही बात मायावती ने आज कही है कि पहले के चुनाव में भी देखा गया है कि दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को चुनाव के दौरान ही याद किया गया था, लेकिन जब जब इन लोगों ने वोट दिया है और जब जब बसपा की सरकार बनी है तभी इनका उद्धार हुआ है, ऐसी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि इन शोषित वर्गों के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं इन्हें सिर्फ जरूरत के समय पर ही याद करते हैं, लेकिन अगर ये समाज इकट्ठा हो गया और इस समाज ने इकट्ठा होकर के एक बार फिर से 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बना दी तो ऐसे में इस बार हम बता देंगे कि किस तरह से विकास होता है, कैसे लोगों की सहायता करी जाती है, कैसे लोगों के लिए काम किया जाता है, इस तरह की जो प्रमुख बातें हैं वो आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही है। श्वेता, तो नितिन, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, उन्होंने क्या इस बार कोई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा ऐलान किया है? क्योंकि आने वाला 2022 का चुनाव सब में चुनौती भरा है, तो इस बार क्या उन्होंने कोई बड़ा देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करी जाए तो बीते काफी दिनों से लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसके पहले जब हमने अपनी सरकार चलाई है तो उसमें हमने स्मारक बनवाए थे, पार्क बनवाए थे, लेकिन इस बार जब हम उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनाते हैं तो ऐसे में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सर्व समाज के लिए काम करेंगे, हम ब्राह्मण समाज के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज का जो शोषण लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो हम उसके लिए भी काम करेंगे, उनके उद्धार के लिए काम करेंगे। इसके अलावा गरीब, शोषित, दलित वर्ग जो है, ओबीसी वर्ग जो है, इसके लिए भी हम काम करेंगे। हम किसी एक विशेष वर्ग के लिए काम नहीं करेंगे, हम पूरे
समाज के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम करेंगे। तो इस तरह की बात बहुत पहले से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती करती आई है। बसपा सुप्रीमो ने आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें इन्हीं बातों का जिक्र उन्होंने किया है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि बीती सरकारें जो उत्तर प्रदेश में रही है, दो कार्यकाल जिसमें समाजवादी पार्टी का रहा है और अभी मौजूदा कार्यकाल बीजेपी का रहा है, इस कार्यकाल में भी जो गरीब शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, इनका शोषण होता रहा है और अभी भी लगातार हो रहा है। लेकिन जब ये वर्ग एक साथ आ जाता है और जब ये वोट करके बीएसपी की सरकार पहले भी इसने जब बनवाई है या फिर इस बार फिर से बनाता है, तो हम इस बार हम बताएंगे कि कैसे जनता के लिए काम किया जाता है, कैसे विकास के लिए काम किया जाएगा या कैसे इस वर्ग के लिए काम किया जाता है। नितिन, 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी जो बसपा है मायावती, और वो कौन से बड़े चेहरे उतार सकती है इस 2022 के चुनाव में? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करी जाए तो वो खुद में एक बहुत बड़ा चेहरा है क्योंकि चार बार की मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के साथ भी उन्होंने गठबंधन करके अपनी सरकार चलाई है, तो अपना एक उनका अलग वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक, जो कोर वोटर है, वो अभी भी बसपा के साथ है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई भी राजनीतिक दल कितनी भी कोशिशें कर ले, जो बसपा का कोर वोट बैंक है वो अभी भी बसपा के साथ ही है और हमेशा रहेगा। दूसरी चीज, बड़े चेहरों की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो कोर वोटर है वो जानता है कि बहन जी जब उनके सामने जाएंगी या फिर रैलियां करेंगी तो जाहिर सी बात है जो कुछ नाराज चेहरे भी हैं इस समाज के, वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर बीएसपी के साथ हो लेंगे, तो ये तो उनको पता है। दूसरी चीज, बड़े चेहरों की बात करी जाए तो इस बार जो ब्राह्मण सम्मेलन करवाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी पूरी कमान सौंपी गई थी और अयोध्या से उन्होंने अपने इस सम्मेलन की शुरुआत करी थी और इस सम्मेलन में उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को जोड़ने की पूरी कोशिश की है, प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है। तो सतीश चंद्र मिश्रा को इस बार पार्टी ने बहुत बड़ा ओहदा भी दिया है, राष्ट्रीय महासचिव है वो, और पूरी कोशिशें उनकी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरह से उन्हें आदेश देती हैं या फिर जिस तरह से उन्हें पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कहती हैं वो लगातार उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो सतीश चंद्र मिश्रा दूसरे नाम इसमें है और इसके अलावा जो पार्टी के कुछ पूर्व मंत्री है जिसमें नकुल दुबे का नाम है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मध्य सीट से विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी थे बसपा की सरकार में, ये हो गए। इस तरह के जो बड़े नाम है वो लगातार अभी भी बसपा के साथ हैं और बसपा के लिए जो संगठन है उसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आज बाबा भीमराव की अंबेडकर की जयंती पर आज तमाम नेताओं ने उनकी श्रद्धांजलि दी और वहीं मायावती ने एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम अपने वादे किए हैं, जहां उन्होंने बताया कि 2022 का चुनाव में वो किस को उतारने की संभावना है। तो अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ, जो आज अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी पर हिंदू संगठनों ने मथुरा कूच का ऐलान किया था। हालांकि सभी संगठनों ने आह्वान वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी पुलिस सतर्क है। पूरे मथुरा शहर में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है और श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी भी कर दी गई है। सोमवार को दोनों धार्मिक स्थलों के सर्कल में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। दोनों स्थलों पर अवैध सुरक्षा व्यवस्था की गई, हालांकि इन रास्तों पर पैदल जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीएम का एक पुतला फूंकने का ऐलान करने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उधर एलआईयू की टीम भी सक्रिय दिखाई दी। कई हिंदू संगठनों ने शाही मस्जिद ईदगाह में जलाभिषेक करने पर और पदयात्रा करने का ऐलान कर माहौल गर्मा दिया था। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए, लेकिन पुलिस प्रशासन फिर भी अलर्ट है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ दिनों पूर्व कुछ संगठनों के द्वारा कुछ कॉल्स या कुछ आह्वान किए गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा पाबंदियां भी की गई, निरोधात्मक कार्रवाइयां भी की गई, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी की गई, जनपद में धारा 144 लगाई गई, जिसके फलस्वरूप इन सभी संगठनों के द्वारा अपने अपनी जो कॉल्स हैं, जो आह्वान है वो वापस ले लिए गए हैं। इनके द्वारा परमिशंस के लिए अप्लाई किया गया था, उन सभी परमिशंस को निरस्त कर दिया गया था शांति व्यवस्था कायम रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जनपद में 4 सुपर जोन्स, 4 जोन्स और 8 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जहां पर मजिस्ट्रेट्स के अलावा सिविल पुलिस, पीएसी की कंपनीज और आरएएफ तैनात है। सिक्योरिटी बीफअप की गई है, सेंसिटिविटी के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कुछ जगह पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि जनपद की शांति व्यवस्था किसी भी हाल में भंग ना हो। आपका क्वेश्चन सही है, हमारे जो साथी कहते हैं ये बात सही है कि आज ही ये मुद्दा क्यों उठा,
क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, दिसंबर में संभव था और फरवरी में संभव चुनाव होंगे। इसको चुनावी मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के पास कोई भी विकास कार्य नहीं हुए, 15 लाख नहीं दिए गए, नौकरी नहीं दी गई, महंगाई कम नहीं हुई, जितने वादे किए थे उस पर सब पर ये गवर्नमेंट फेल नहीं है। इसको ढकने के लिए कहीं ना कहीं ध्यान भटकाते रहते हैं जनता को, और इस मुद्दे को इन्होंने उठा करके फिर हिंदू मुस्लिम में बांट करके वोट लेने के लिए असफल ये प्रयास कर रहे हैं। ये सफल नहीं हो पाएंगे। जो भगवान कृष्ण और रसखान की नगरी है, मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाईचारा हिंदू मुस्लिम में यहाँ रहा है। जब भी ईद का त्यौहार आता है तो हमारे तमाम हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों को बधाई देते हैं, और जब दीपावली का त्यौहार आता है तो हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा हिंदू भाइयों को बधाई दी जाती है। से है जहां पर आज मथुरा में अलर्ट जारी किया गया है, जो कि अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी पर हिंदू संगठनों ने मथुरा कूच करने का ऐलान किया था, जिसके चलते आज मथुरा में अलर्ट जारी किया गया। हालांकि संगठनों ने यह आह्वान वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है मथुरा शहर में, जहां पर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह की तरफ जाने वाले सभी रास्तों की नाकाबंदी कर दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके की व्यवस्था देखने के लिए मिल रही है? देखिए श्रोता, अगर 6 दिसंबर 1992 में इस तरह का जो बाबरी ढांचा था और विध्वंस की घटना हुई थी, तब से लगातार हर साल ये एहतियात बरती जाती है कि इस विध्वंस वाले दिन लगातार पुलिस व्यवस्था तब्दील की जाए और बेहतर एहतियात के साथ प्रदेश में कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना घट पाए। तो लगातार ये सिलसिला चलता रहता है कि 6 दिसंबर जो बाबरी विवादित ढांचे का विध्वंस है उसकी बरसी पर, आज 29वीं बरसी है, इसको लेकर भी सरकार द्वारा लगातार इंतजाम किए गए थे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काशी विश्वनाथ अयोध्या से लेकर मथुरा में भी इस तरह के इंतजाम किए थे, क्योंकि धार्मिक नगरी है और आध्यात्मिक के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इन जगहों पर विशेष इंतजाम किए गए थे। और जिस तरह भी हाल में ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था कि मथुरा की बारी है, इसको लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ चुकी थी। इसके साथ ही साथ जो वहां मथुरा के जो संगठन हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने एक आह्वान किया था कि 6 दिसंबर को जाएंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो नजदीक में जो आपकी शाही मस्जिद ईदगाह है, वहां पर श्री कृष्ण विग्रह पर जाकर जलाभिषेक करेंगे। तो इस तरह से वहां पर जो माहौल था एकदम से गर्मा गया था, जिसको लेकर सरकार द्वारा पहले से ही इंतजाम किए गए थे। मैं आपको बता दूं जो मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, उनके द्वारा भी पूरी तरह से इंतजाम को बेहतर किया गया था। इसके साथ ही साथ जो आके आपको पुलिस अधीक्षक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ग्रोवर, उन्होंने कहा था कि कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए लगभग 200 से ज़्यादा पैरामिलिट्री जो बल है उनको लगाया गया था, साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहाँ पर लगाए गए थे, मुस्तैद किए गए थे। इसके साथ साथ जो नगर है मथुरा, उसको लगभग 16 जोन में बांट दिया गया था। मैं आपको बता दूँ 4 सुपर जोन और 4 जोन, इसके अलावा 8 जो है वो स्पेशल जोन में बांटा गया था, जिससे किसी तरह की घटना ना घट पाए। हालांकि जो भी SSP का बयान आया था, उन्होंने कहा था स्थिति पूरी तरह सामान्य है। हाँ, कुछ जगह जरूर उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूकेंगे, उनको पुतला फूकने के पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दे सके। तो माना जा सकता है कि बड़ी घटना थी, 29वीं बरसी थी बाबरी जो ढांचा विध्वंस था, तो माना जा सकता है कि कोई घटना ना घटे, इसके लिए मथुरा हो, अयोध्या हो या काशी विश्वनाथ हो, तमाम उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल है, वहां पर एहतियात व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद की गई थी, जिस तरह कोई घटना ना घट सके। गौरव, जिस तरीके से अभी अलर्ट के जितनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़ाई गई थी, क्या अभी भी उसी तरीके की सुरक्षा बनी हुई है या अभी कहीं पे कोई घटना होने की ऐसी कोई अभी कोई खबर आई है? ठीक है, अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई। हालांकि ये कहा गया था मथुरा में कि जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं वो CM योगी का पुतला फूकेंगे, पर उसके पुतला फूकने के पहले ही उनको रोक लिया गया था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इनपुट लगातार मिल रहे थे कि कोई जो हिंदू संगठन है वो वहाँ पर जाएंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो बना है श्री कृष्ण विग्रह, जो कि कहा जाता है कि शाही जो ईदगाह मस्जिद है उसके बीच में निश्चित है, वहाँ पर जलाभिषेक की उनकी एक घोषणा थी, पर हिंदू संगठनों ने इस घोषणा के पहले ही आज इस घोषणा को जो आह्वान किया था उसको वापस ले लिया गया था। तो इस तरह के जो इनपुट मिल रहे थे, हालांकि इनपुट कोई सामान्य रहे, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, पर साथ ही साथ चूंकि हमेशा से ही 6 दिसंबर और की जो आपकी बाबरी विध्वंस की जो घटना होती है उसकी बरसी होती है हर साल, उसको लेकर जो प्रदेश सरकार है, चाहे वो सपा की सरकार रहे, चाहे बसपा सरकार रहे, चाहे योगी सरकार या जो भी पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, हमेशा अलर्ट पर रहती है और सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करने के लिए, कोई माहौल खराब ना हो, इसको लेकर लगातार प्रयास करती रहती हैं।
जिन लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है उनको कब तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है? नहीं, फिलहाल अभी उनको पुलिस लाइन ले जाया गया है, वहाँ पर जो जरूरी हो सकता है कि जो निजी मुचलके उस पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर कोई घटना इस तरह की हो जाती है तो जो असामाजिक जो व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है, उसे माहौल बिगड़ने की दिक्कत होती है या संभावना रहती है, इसलिए उनको एहतियातन शाम तक उनको पुलिस लाइन में रखा जाएगा, उसका माना जा सकता है निजी मुचलके उनको छोड़ दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अब नजर डालते हैं हमारी अगली बड़ी खबर पर, जो संसद स्वास्थ्य संबंधी समिति के अध्यक्ष रामगोपाल यादव ने ओमिक्रॉन पर 9 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव और डीजी आईसीएमआर को भी बुलाया गया। ये बैठक ऐसे वक्त बुलाई गई जब देश के अलग अलग हिस्सों के कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले 2 मामले कर्नाटक में सामने आए थे, जो देश में बीते दिनों ओमिक्रॉन के 17 मामले दर्ज हुए, जिसके बाद अब कुल संख्या 21 हो गई है। रविवार को दर्ज 17 मामलों में 9 राजस्थान के राजधानी जयपुर से हैं, जहां 7 महाराष्ट्र के पुणे से और 1 मामला दिल्ली में दर्ज हुआ है। राजस्थान के चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि संक्रमित लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग में 9 लोगों को कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारी ने पुणे जिले में 7 लोगों को ओमिक्रॉन के संक्रमित होने की पुष्टि की है और ओमिक्रॉन को कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया में अभी तक इस वेरिएंट से किसी की मौत की पुष्टि नहीं की है। दावा है कि ये वेरिएंट कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है और अब ये बाकी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है। इसको लेकर कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने RT-PCR परीक्षण की सुविधाओं की समीक्षा की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके का एक भय बना हुआ है सभी जगहों पर? हालांकि देख, ओमिक्रॉन के कोई मामले नहीं आए थे, उसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो मन की बात की गई थी उसमें कहा गया था कि कोरोना के जो तीसरी लहर है, ओमिक्रॉन के जो चांसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में उस समय लगभग 16 देशों में फैल चुका था दक्षिण अफ्रीका के अलावा, पर उम्मीद की आई थी लगातार फैल रहा है, चूंकि इसकी जो इसकी बढ़ने जो फैलने की क्षमता है वो जो पिछले डेल्टा वेरियंट से लगभग 7 गुना ज़्यादा है, तो माना जा सकता है कि बड़ा अलग तरह का वेरियंट है और निश्चित रूप से बहुत फैल रहा है। हालांकि एक खबर आधी खबर ये है, अब तक इस वेरियंट से किसी मौत का संज्ञान अब तक नहीं आया है, पर जिस तरह से अब तक ये लगभग 38 देशों में फैल चुका है, और अगर भारत की बात करें तो 2 दिसंबर को कर्नाटक में इसके 2 मरीज मिले थे, एक जो आपका 66 वर्षीय बुजुर्ग था जो कि आपका अफ्रीका से लौटा था, इसके अलावा एक जो 46 वर्षीय पुरुष था, हालांकि वो किसी यात्रा से कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी, पर उसके बाद जो संक्रमित पाया गया था, तो माना जा सकता था कि कर्नाटक में और केस फैलेंगे, पर इसके अपोजिट कर्नाटक में 2 मिले थे, उसके बाद राजस्थान में लगभग 9 मरीज ओमिक्रॉन के मिलने की पुष्टि हो चुकी है, इसके अलावा महाराष्ट्र में बात करें तो वहाँ पर 8 मरीज मिल चुके हैं, और गुजरात और दिल्ली में भी 1-1 मरीज की पुष्टि हो चुकी है कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित है। कुल मिलाकर 21 मरीज अब तक मिल चुके हैं, तो माना सकता है कि इसको लेकर सरकार लगातार अलर्ट पर है और लगातार प्रयास भी कर रही है। इसके पहले भी आपको बताऊँ, पिछले हफ्ते भी लगातार जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण, उनके द्वारा लगातार बैठक की जा रही थी, वो बैठक के माध्यम से उन्होंने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव उनको बुलाया था और एक नीति बनाई थी किस तरह से हमको काम करना है, जिससे इस तरह की जो वेरियंट है जो खतरनाक है इसको पूरी तरह से भारत में फैलने से रोक दिया जाए। हालांकि इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट है उनके सारे यात्रियों को रोका जा रहा है, उनकी RT-PCR जाँच हो रही है, अगर उनमें कोई भी संक्रमण की पुष्टि होती है तो उनको 7+7 के कुछ क्वारंटाइन पीरियड उसमें रखा जा रहा है, साथ ही साथ उनके परिजनों की भी RT-PCR जाँच कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है वो ये भी जारी की गई हैं कि जो भी मरीज आएगा इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहा है और अगर संक्रमित पाया जाता है तो उनके आगे की 2 पंक्ति और पीछे की 1 पंक्ति के जो भी आपके वहां यात्री रहेंगे उनको और साथ ही साथ केबिन क्रू की जांच भी कराया जाए, जिससे इस तरह की जो महामारी है वो बुरी तरह से लहर में तब्दील ना हो पाए और आम जो जनहानि है उसको रोका जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।